मंगलवार को पूरे तरीके से चुनाव मतगणना के बाद समाप्त हो जाएंगे। नागपुर के कलमनाम मंडी में नागपुर लोकसभा और रामटेक लोकसभा की मतगणना की जाने वाली है। इस मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया है बीसीएन न्यूज ने। शहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा में 120 टेबल पर नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना होगी। वहीं रामटेक लोकसभा के सभी 12 तहसील की मतगणना कलमना में की जाएगी। नागपुर लोकसभा की मतगणना 20 राउंड तक चलेगी। वहां रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना 26 राउंड तक चल सकती है। पहले राउंड की गिनती के बाद उम्मीदवारों को मिले मतों की घोषणा की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रतिनिधि आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है। एक राउंड की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरे राउंड की गिनती शुरू होगी। वही 4 जून को दोपहर तक चुनाव की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस चुनाव मतगणना का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। फिलहाल खड़े हैं कलमना के मार्केट में, जहां पर वोट गिनती की पूरी तैयारियां हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि रामटेक मतदान संघ के लिए जो है लोकसभा मतदान संघ के लिए है, अभी से ही जो है वोट गिनती की तैयारियां शुरू की गई है। कम से कम 8,000 जो लोग कर्मचारी है गवर्नमेंट के, वो यहां पर मौजूद है। दोनों लोकसभा के जो वोट गिनती है उसकी तैयारियां हो रही है। करीब 120 टेबल पे ये पूरी तैयारियां, ये वोट गिनती की जाएगी, जिसके लिए 8,000 गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। सभी विभागों से यहां पर कर्मचारियों को बुलाया गया है और कल से ही कलमना मार्केट जो है आम जनता के लिए बंद किया गया है, और साथ ही और आम लोगों के लिए भी इसे बंद किया गया है। 500 बैलेट की सबसे पहले गिनती की जाएगी, जो ऑनलाइन 500 बैलेट की जो है वोट गिनती सबसे पहले की जाएंगे, उसके बाद पोस्टल की वोट गिनती होंगी। और ये पूरी जो गिनती है 120 टेबल पर की जाएगी, जिसके लिए 8,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अगर आप मेरे दाएं साइड में देखेंगे तो उस साइड में जो है लोकसभा, नागपुर लोकसभा की वोट गिनती करनी होगी, और इसी के साथ दाएं हाथ में जो है इस साइड में जो है रामटेक लोकसभा क्षेत्र की वोट गिनती की जाएगी। और इस पूरे इसके लिए ये पूरा महकमा तैयार किया गया है। आप देख सकते हो कि बड़ी मात्रा में जो है सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित है, और जो वोटिंग की व्यवस्था है उसके लिए एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक सहायक उम्मीदवार और एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे हर टेबल के लिए। और इसी की तरह से जो है अंदर वोट गिनती होंगी और जिसकी जानकारी बाहर आएगी। और बीच में अगर आप देखेंगे तो मीडिया के लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है, जहाँ पर मीडिया के लोग बैठेंगे और उसी में ही जो है जानकारी दी जाएगी मीडिया के लोगों को, और वहीं से जो है बाहर आंकड़े दी जाएंगे।